अम्बाला में नगर पालिका कर्मचारी संघ के बैनर के नीचे सफाई कर्मचारी जो है वो हड़ताल पे हैं और आज लगातार दूसरा दिन है लोगों की हड़ताल का। अपनी मांगों को लेकर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ये लोग जो हैं हड़ताल पर बैठे हैं। इनका कहना है कि जो लोग समान काम समान वेतन जो है उसको लागू किया जाए, इसके अलावा ठेकेदारी जो प्रथा है उसको ख़त्म किया जाए और कच्चे कर्मचारियों को पक्का किया जाए। ये पहली बार नहीं है कि जब इन लोगों ने हड़ताल की हो, इससे पहले भी जो है बहुत बार ये लोग हड़ताल कर चुके हैं, लेकिन शायद अभी तक हरियाणा सरकार ने इनकी मांगे नहीं मानी है। यही कारण है कि इन्हें बार बार हड़ताल करना पड़ता है और एक नहीं दो नहीं सैकड़ों कर्मचारी हैं जो फिलहाल कच्चे हैं और जिन्हें पक्का करने की जो बात है वो ये लोग बार बार रखते हैं, इनकी मांगे नहीं मानी जाती, जिसके कारण जो है लगातार ये लोग हड़ताल करते हैं और जिसका खमियाजा आम लोगों को जो है वो भुगतना पड़ता है। तस्वीरों में आप देख रहे हैं कि किस तरीके से ये कर्मचारी हड़ताल पर हैं, जिसके कारण जो है पूरा शहर गंदगी के ढेर में तब्दील हो चुका है। हम अपने दर्शकों को वो तस्वीरें दिखा रहे हैं जिसमें जो है ये गंदगी के ढेर साफ तौर पर बता रहे हैं कि कैसे जो है आम जनता को इसका खमियाजा भुगतना पड़ रहा है। लगातार ये कर्मचारी सरकार विरोधी नारे लगा रहे हैं ताकि इनकी जो मांगे हैं वो सरकार तक पहुंच सके। हम यहां पर इनसे बातचीत करेंगे कि आखिर क्या मांगे हैं इनकी। क्या नाम है जी आप? मेरा नाम राजेंद्र कुमार है, मैं नगर निगम में सफाई कर्मचारी के पद पर कार्यरत हूँ और नगर पालिका कर्मचारी संघ में जिला अम्बाला का सचिव हूँ। राजेंद्र जी, क्या कारण है बार बार जो है आप लोगों को हड़ताल करनी पड़ती है? पहली बार नहीं है जब आपने हड़ताल की हो, बार बार आप लोग चेतावनी देते हैं लेकिन सरकार सुनवाई नहीं कर रही या सुनना नहीं चाहती, क्या? सरकार ने 24 मई को हमारी बातचीत हमें बुला के की, लेकिन इम्प्लीमेंट जो लेटर हैं वो जारी नहीं किए, इसलिए हमें तो लगता है कि सरकार सिर्फ धोखेबाजी कर रही है और झूठों की सरकार है, वादा करके पूरे नहीं करते। जबकि इन्होंने अपने चुनावी घोषणा पत्र में लिखा था कि हम पहली कलम से आप लोगों को जो सफाई कर्मचारी हैं उनको पक्का करेंगे, लेकिन सरकार ऐसा कुछ नहीं कर रही। जबकि सबसे गंदा काम और सबसे कम दाम हमें मिलते हैं, लेकिन हम फिर भी शहर को स्वच्छ बनाने में लगे रहते हैं। सरकार के जो जू नहीं रेंग रही, आज सरकार ने बातचीत के लिए बुलाया है, देखते हैं वहाँ का निर्णय क्या निकल के आता है। नहीं, हम इस आंदोलन को और तेज करें। पहले भी कई बार बातचीत हो चुकी है? हाँ जी, बातचीत हुई है लेकिन लेटर जारी नहीं होते। इस बार भी ऐसा ही हुआ तो फिर? अगर इस बार ऐसा हुआ ये आंदोलन अनिश्चितकालीन में चेंज हो जाएगा। जब तक बिल्कुल बिल्कुल जो है वो कहीं ना कहीं जो ये जो कर्मचारी हैं ये काफी परेशान है। आप जो यहाँ ये कर्मचारी है, ये पहली बार नहीं है कि ऐसा हो रहा हो। आप भी जो है सफाई कर्मचारी हैं, आप लोगों की सुनवाई नहीं होती, जबकि आप लोग जो है वो स्वच्छता अभियान को बढ़ावा दे रहे हैं, नरेंद्र मोदी का जो सपना है उसको पूरा करने में कहीं ना कहीं अहम भूमिका है आप लोगों की, लेकिन फिर भी आपकी सुनवाई नहीं हो रही, क्या कहेंगे? स्वच्छ भारत अभियान के अंदर हमारे को सवेरे 5 बजे बुलाया जाता है और पूरा पूरा योगदान हमारा होता है स्वच्छता बनाने के लिए, पर सरकार वादा खिलाफी करने पर दूर हो रही है। जो 24 मई का जो हमारा फैसला हुआ था, कच्चे कर्मचारी को पक्का करना, ठेकेदारी प्रथा को समाप्त करना, पर ठेकेदारी प्रथा को समाप्त नहीं किया और बढ़ावा दिया है, जिसके अंदर कर्मचारियों का और उल्टा नुकसान हुआ है। 24 मई का कोई भी फैसला अभी तक नहीं लागू हुआ, सिर्फ 13,500 का वादा जो था फैसला वो हुआ है और अभी तक कोई फैसला नहीं हुआ। इसीलिए इसी आह्वान पर 3 दिन की राज्यव्यापी हड़ताल हुई है, 3, 4, 5 को हम राज्यव्यापी हड़ताल कर रहे हैं संघ के आह्वान पर, और आज हमारी मांगों को नहीं पिया गया तो अनिश्चितकालीन हड़ताल भी हो सकती है। बिल्कुल, कहीं ना कहीं जो है इन लोगों में साफ तौर पर रोष है और मैं चाहूँगा कि ये जो बैनर्स हैं ये लोग हाथों में लिए बैठे हैं, इन बैनर्स के ऊपर साफ तौर पर इन्होंने ये दिखाया है कि इनकी क्या कुछ मांगे हैं, समान काम समान वेतन।
ऐसा नहीं है कि पहली बार इसकी मांग हो रही हो, बहुत लंबे समय से ये इसकी मांग कर रहे हैं। इसके अलावा ठेकेदारी प्रथा को ख़त्म करने की बात हो रही है, क्योंकि अक्सर इस तरीके की बातें सामने आती हैं कि जो ठेकेदार हैं वो इन लोगों को प्रताड़ित करते हैं, इनसे पैसे मांगते हैं। यही कारण है कि ये ठेकेदारी प्रथा जो है उसको ख़त्म करने की बात कर रहे हैं। इसके अलावा सैकड़ों ऐसे कच्चे कर्मचारी हैं जिनकी गर्दन पर हमेशा ये तलवार लटकी रहती है कि कब उन्हें नौकरी से निकाल दिया जाए। ठेकेदार जब चाहे उन्हें नौकरी से निकाल सकता है, इसलिए ये ठेकेदारी प्रथा को ख़त्म करने की मांग कर रहे हैं। फिलहाल आज इन लोगों की मीटिंग है, मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने इन्हें बातचीत के लिए बुलाया है। देखना होगा कि क्या इनकी मांगें मानी जाएंगी, और अगर नहीं मानी जाती तो याद रहे कि जो सरकारी नुमाइंदे हैं उनके साथ साथ जनता को भी कहीं ना कहीं इनके गुस्से का प्रकोप भुगतना पड़ेगा। आप जुड़े रहिए हमारे साथ हमारे फेसबुक पेज अम्बाला ब्रेकिंग न्यूज़ पर, और हम आपको अम्बाला की ऐसे ही अपडेट्स देते रहेंगे।